गत रात भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ गुंडों ने कांग्रेस ऑफिस पर आके कायरतापूर्ण पत्थरों से हमला किया। इस हमले में कांग्रेस ऑफिस के कोई नहीं था, हमारा वहाँ पे चौकीदार थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी सगर्भा बेटी और उनका बच्चा था, वो भी हिंदू थे, लेकिन उनके ऊपर भी कायरतापूर्ण हमला हुआ है। और कल रात को ही हमने पुलिस स्टेशन में, हमारे चौकीदार ने एक पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन भी दे दी है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने जो संसद में कहा था, वो संसद में उन्होंने कहा था कि हिंदू कभी हिंसा नहीं करते, तो ये बात आज इन लोगों ने हिंसा करके साबित कर दी कि हम लोग हिंदू नहीं है। राहुल गांधी जी ने जो कहा था वो आज यहाँ पे यथार्थ हो रहा है। हम इन लोगों से डरने वाले में से नहीं है, हम यहाँ पे सुबह से खड़े हैं, अगर उनको आना है तो हमारे पास भी आए, उनके पास अगर पत्थर है, उनके पास अगर तलवार है तो हमारे पास भी हथियार है, हमारे पास भी सत्य का हथियार है, हमारे पास भी अहिंसा का हथियार है। हमें इन नकली लोगों का हिंदुत्व का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हमें जो सर्टिफिकेट देने वाले हैं वो हमारे देवाधिदेव महादेव है, जो कल राहुल गांधी ने संसद में जिनका फोटो बताया था, हमें उनका सर्टिफिकेट चाहिए, इन कायर लोगों का सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। ऐसे हमले की हम कड़ी निंदा करते हैं और आगे से जो भी ऐसे हमले करेंगे उनको कायदा किए तरह से उनको ऐसे ही जवाब आगे भी हम देते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।